यमुनानगर के गांव उड्डेवाला में एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। बताया जाता है कि फैक्ट्री केमिकल की थी। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें कुछ नहीं पता कि इस फैक्ट्री में क्या होता था क्या नहीं। आग लगने के 2 घंटे पश्चात जब दमकल विभाग की कोई गाड़ी वहां नहीं पहुंची तो बढ़ती आग से ग्रामीणों को चिंता होने लगी। उन्होंने तुरंत दमकल विभाग को फोन किया और कहा कि यहां तुरंत फायर ब्रिगेड की कम से कम 10 गाड़ियां भेजी जाए क्योंकि आग बहुत भयंकर है। आग की लपटें हाईवे तक नजर आ रही थी। तभी से सभी ग्रामीण भी सचेत हो गए तथा अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। बातचीत में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्होंने स्वयं देखा है कि जो फैक्ट्री का मालिक है वह आग लगाने के पश्चात पैदल दूर खड़ी अपनी कार में गया और वहां कुछ देर खड़ा रहा। उसके पश्चात वह चले गए और उनका फोन भी स्विच ऑफ हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि कुछ देर और दमकल विभाग की गाड़ियां नहीं पहुंचती है तो कोई भी बड़ी अनहोनी की घटना हो सकती थी। इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बड़ी संख्या में फैक्ट्री का सामान फैक्ट्री से निकाल लिया गया था, कुछ ड्रम और बाकी सामान ही अंदर पड़ा हुआ था। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।